हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे और मेरी कहानी भी सुन रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धा और भिखारी। मेरा नाम है सुकन्या और चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो बहुत अच्छी है, ज़रूर सुनिएगा पूरा। तो एक बात की बात है, किसी नगर में एक बेघर भिखारी रहा करता था जो अपने खाने को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर किया करता था, लेकिन उसके खाने हैं जो गायब हो जाया करते थे। उसको समझ में नहीं आता था कि मेरा खाना कौन चुरा लेता है। एक दिन उसने पकड़ लिया उस चूहे को जो उसका खाना चुरा लिया करता था। फिर उसने चूहे से पूछा कि क्यों तुम मेरा खाना चुरा लेते हो? तुम अमीर घर में जाओ, वहाँ जाके चुराओ और वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि उसका खाना गायब हो रहा है। तो उस चूहे ने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरा भाग ही ऐसा है कि मुझे तुम्हारे यहाँ खाना चुराना पड़ता है। तो बोला, क्यों ऐसा तुम्हारा भाग क्यों है? तो उस चूहे ने कहा कि तुम्हारा भाग ऐसा है कि तुम बस 8 सामान ही अपने घर में रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो उस बेघर भिखारी ने कहा कि क्यों मेरा भाग ऐसा क्यों है? तो उस चूहे ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भगवान बुद्ध से जाके पूछो कि ऐसा भाग क्यों है। इसलिए वो बहुत निराश हो चुका था बेघर भिखारी कि मेरा भाग ऐसा है। तो उसने फैसला किया कि चलो मैं भगवान बुद्ध से पूछूंगा कि मेरा भाग क्यों है। तो उसने फैसला किया भगवान बुद्ध से मिलने का। तो सुबह हुई और वो निकल गया यात्रा पे, भगवान बुद्ध से मिलने की यात्रा पे। तो चलते 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 शाम हो गई और वो एक बड़े आदमी के घर में, एक अमीर आदमी के घर में जा पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और मुझे थकान भी हो रही, क्या मुझे एक रात यहाँ बिताने को मिलेगी? तो उस अमीर आदमी ने उसको एक रात गुजारने की आज्ञा, परमिशन दे दिया। जब वो अंदर आया तो उस अमीर आदमी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? तो उसने पूछा, हम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं कि मेरा भाग ऐसा क्यों है, अपने भाग के बारे में हम पूछेंगे। तो फिर उसकी पत्नी आई, अमीर आदमी की पत्नी, और पूछी कि क्या आप मेरी बेटी है जो बोल नहीं पाती है, आप उसके बारे में भी क्या पूछ लेंगे कृपया करके कि वो कब तक बोलेगी और कैसे बोलेगी? तो उस बेघर भिखारी ने कहा, हाँ मेम साहब, क्यों नहीं, मैं पूछ लूँगा, आपकी बात तो मैं ज़रूर पूछूँगा। उसके बाद सुबह हुई, वो बेघर भिखारी जाने के लिए तैयार हुआ और उसके बाद उस अमीर आदमी को धन्यवाद बोला और बोला कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे रुकने के लिए आश्रय दिया, और थैंक यू कह के निकला वहाँ से। फिर वो चलते गया अपना यात्रा को वो कंटिन्यू कर रहा था, चल रहा था, चलते चलते उसको रास्ते में एक पहाड़ों का टीला मिला। तब वो बहुत घबरा गया कि मैं कैसे इस टीले को पार कर पाऊँगा। तो वो एक पहाड़ को पार किया, तभी उसको एक जादूगर मिला। उसने जादूगर से पूछा कि क्या आप मुझे ये पहाड़ को पार करवा दोगे? जादूगर ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। फिर जादूगर और वो बेघर भिखारी दोनों बैठ गए और पूरा पहाड़ को जादूगर उससे पार करवा रहा था। तभी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो? उसने पूछा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ और अपने भाग के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने कहा, जो जादूगर था, कि तुम क्या मेरा भी एक काम करोगे? तो उस बेघर भिखारी ने कहा कि हाँ, बोलिए। तो बोला कि मेरा भी एक सवाल है, प्लीज़ तुम मेरा सवाल ज़रूर पूछना। तो बोला, हाँ बेशक मैं पूछूँगा, क्या सवाल है आपका? उसने कहा कि मैं 1000 सालों से ज़िंदा हूँ और
मैं स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी विद्या पूरी हो चुकी है स्वर्ग जाने की, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ अब तक, तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो उस क्या तुम पूछोगे कि भगवान बुद्ध से कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? तो उस बेघर भिखारी ने कहा, बेशक मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगा कि स्वर्ग क्यों नहीं आप जा रहे हैं। उसके बाद उसको धन्यवाद दे करके वो आगे बढ़ गया। फिर उसको रास्ते में एक बहुत गहरी नदी मिली, जो उसको तैर के पार करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसे एक रास्ते में कछुआ मिला। कछुआ से पूछा कि क्या तुम कछुआ भाई, क्या तुम मुझे ये नदी पार करवा दोगे प्लीज? तो कछुआ ने कहा, हाँ बैठ जाओ मेरे पीठ पे, मैं तुम्हें पार करवा दूँगा। जब वो पार करवा रहा था तो पूछा कछुआ भाई ने कि क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो इतनी दूर? तो उस बेघर भिखारी ने कहा कि मैं अपने भाग्य के बारे में पूछने जा रहा हूँ भगवान बुद्ध से, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? तो उस कछुए ने कहा, ओ तब तुम मेरे बारे में भी पूछना कि मैं 500 सालों से जीवित हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या तुम पूछोगे? मेरी विद्या तो पूरी हो चुकी है, फिर भी मैं बन नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके क्या तुम पूछोगे? तो उस बेघर भिखारी ने कहा, हाँ बेशक मैं ज़रूर पूछूँगा। उसके बाद वो कछुआ को धन्यवाद करके आगे बढ़ा, लेकिन कछुए ने कहा कि भूलना नहीं, पूछना ज़रूर। तो बोला कि हाँ मैं ज़रूर पूछूँगा कि आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं ड्रैगन। तो फिर ये बोल के वो आगे बढ़ गया। आगे चलते गया। उसके बाद एक बार उसे इतना चलने के बाद उसे दिख ही गया भगवान बुद्ध का मठ, जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। फिर वो पहुँचा भगवान बुद्ध के मठ के पास और फिर बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि अब मैं अपने और उन लोग के सारे सवाल मैं पूछूंगा जो रास्ते में उसको मिले थे। और ये सोच के बहुत वो खुश हुआ और एकदम उछलते हुए वहाँ पहुँचा भगवान बुद्ध के पास, जहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। तो भगवान बुद्ध को के पास गया और बोला, प्रणाम महात्मा। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे मेरे सवालों का? तो भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बस 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। तो वो सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो 4 सवाल हैं, भगवान बुद्ध बस 3 सवालों का ही जवाब देंगे। तो वो सोचने लगा कि वो 500 सालों से वो कछुआ जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, उसे नदी कितनी गहरी होती होगी, उसे कितना कष्ट होता होगा और उसके लिए ज़िंदगी कितनी कठिन है। अगर मैं पूछ दूँ ये सवाल भगवान से तो उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद उसने उस जादूगर के बारे में सोचा कि वो जादूगर जो 1000 वर्षों से ज़िंदा है और स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं भगवान से ये सवाल पूछ दूँ तो उसकी राहें बहुत आसान हो जाएगी। कितना कष्ट वो झेलता रहेगा, इतना दिन से जीवित है, अब उसको पृथ्वी छोड़ना चाहिए। इसके बाद फिर उस गूंगी लड़की के बारे में सोचता है कि वो लड़की उसका क्या होगा अगर जो वो ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएगी, तो फिर उसके साथ अन्याय हो जाएगा। फिर ये सब सोच के उसको अपने सारे उसके जो कष्ट थे बहुत छोटे लगने लगा। वो सोचने लगा कि मैं तो बेघर भिखारी हूँ, मुझे तो मांग मांग के खाने की आदत है, मैं क्या, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजारा कर ही लूँगा कैसे भी। इस प्रकार से उसके अपने कष्ट छोटे लगने लगे और वो सबके सवाल पूछने लगा। भगवान ने बुद्ध ने कहा कि वो कछुआ अगर जो अपना उसके पीठ पे जो बड़ा सा खपड़े टाइप का